मनावर के सामने गुस्सा हो चुकी है अंकिता लोखंडे मनारा पे, क्योंकि मनारा ने ऐसी बात जो बोल दी है और अंकिता उस चीज़ का स्टैंड ले रही है, जहां पर मनावर भी जो है इस चीज़ को सुन रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मनारा का मूड जो है बहुत ज़्यादा ऑफ है और मनारा जो है चिड़चिड़ के बात कर रही है और ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस चीज़ से दिमाग ख़राब हो चुका है मनावर का भी कि भाई उसके मकान की जो लेडीज़ है वो आपस में ही लड़ी जाती हैं, तो आखिरकार ये मनावर करे तो करे क्या। अब जो अंकिता है, अंकिता मनावर सब लोग बाहर गार्डन एरिया में होते हैं, जहाँ पर बिग बॉस बोलते हैं कि अंकिता आप अपना माइक पहन लीजिए, जहाँ पर अंकिता दूसरे टेबल पे अपना माइक जो है वो रखाती है। तो ये जब सुनती है जिग्ना जी, तो जिग्ना जी उठा के जो है माइक दे देती है अंकिता को। तो अंकिता जो है जिग्ना जी को बोलती है और ये पूरी सब चीज़ें जो है सुन रही होती है मनारा, और अंकिता बोलती है थैंक यू मैम। तो बोलती है मैम ये वर्ड तो मैंने दिया था ना, और थैंक यू किस बात का, और मैम। तो वहाँ पर कुछ ऐसी बात बोली है मनारा ने जिसको म्यूट कर दिया गया, पर उस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है हो चुकी है अंकिता। अंकिता का कहना ये है कि यार वो हमसे सीनियर है, एटलीस्ट सीनियर का तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो। ये बड़बड़ाने लग गई अंकिता और मनावर के सामने भी बोलने लगी, यार ये क्या है, बार बार पे टोंड मारती रहती है, मुझे लगता था कि मैं ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हूँ, मुझे कोई समझ नहीं सकता, बट मैं बोलूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हूँ जितनी मनारा है, समझने में उसको कोई समझ नहीं सकता। तो मुनावर अंकिता को भी बोलता है ठीक है विक्की भाई से मैं पूछता हूँ कि आप हो या नहीं। मनारा की कोई भी चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं करते मुनावर, पर जो मजाक हो रहा होता है और जो मजाक करती है अंकिता उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करते हैं, क्योंकि मुनावर खुद बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है मुनावर का कि भाई मुझे इन लोगों के बीच में जाना ही नहीं है, बंदियों के बीच में, बंदियों की लड़ाई के बीच में नहीं जाना। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।